नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको हरि भक्ति विलास से, हरि भक्ति विलास स्मार्त ग्रंथ से जो है आप लोगों को तुलसी काष्ठ में धूप दीप करने के विषय में जो है वो मैं आपको लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए हरि भक्ति विलास जो है ये एक वैष्णव स्मार्त ग्रंथ है। कई सारे शास्त्रों से जो है विधि आराधना पद्धति लेकर जो है ये स्मार्त ग्रंथ बना है। ये एक संग्रहित जो है स्मार्त जो होता है, स्मार्त ग्रंथ जो होता है कई सारे शास्त्र आदि से, आराधना पद्धति आदि लेकर, आगम से हो, कई सारे जगह से हो, उसे एक संग्रहित ग्रंथ जो है, मतलब उस ग्रंथ में उसे संग्रहित किया जाता है, वही जो है स्मार्त विधान के ग्रंथ कहे जाते हैं। तो वैष्णव पूजा के लिए स्मार्त ग्रंथ जो है, स्मार्त विधान के जो सबसे मुख्य मूल ग्रंथ है वो हरिभक्ति विलास है। तो हरिभक्ति विलास में तुलसी काष्ठ में धूप दीप के विषय में कहा गया है, तुलसी पावक नैव दीपं च कुरुते हरे दीप लक्षण सहस्राणं पुण्यं भवति दैत्यज पश्चादीपं च तं भक्त आ मूर्धा वंदित वैष्णव धूपस्य ए भिक्षानात्य लभन्ते ए हन्ने हपि तं फलं केचिच्यानेन दीपेन श्रीमूर्ते वैष्णवा निराजनम इच्छन्ति महानिराजने जथा। अर्थात जो है यहाँ पर देखिए कहा गया है कि तुलसी पावकेन तुलसी काष्ठाग्नि, तुलसी पावकेन तुलसी काष्ठाग्निना, अर्थात जो है तुलसी के काष्ठा नल में जो है श्री हरि को दीप प्रदान करना चाहिए, और धूप के तरह ही, मतलब धूप भी जो है जैसे कि तुलसी काष्ठ के माध्यम से दिए जा रहे हैं, तो उसमें कहा गया है धूपस्य विक्षणात् अत्वस्य लभ्यन्ते हन्यहपि तत्फलम, अर्थात तुलसी काष्ठ से धूप करने से जो फल मिलता है वही फल जो है अगर तुलसी काष्ठ से आप दीप करते हैं तो भी आपको वही फल मिलता है, यज्ञ फल मिलता है, यज्ञ फल मिलता है। तो तुलसी पावकेन तुलसी काष्ठाग्निना धूपस्य वेति जथा धूपेष्यणात दर्शनात धूपदानादि फलमन्ये अपि लभ्यते। अर्थात जो है तुलसी के काष्ठ में अग्नि, तुलसी काष्ठ की ई धूपाग्नि दीपाग्नि से अगर आप जो है आप श्री हरि को जो है अगर आप धूप दीप प्रदान करते हैं तो इससे जो है आपको अनंत फल की, अनंत कोटि आशीष प्राप्त होती है, श्री हरि की जो है अनंत कोटि के आशीष जो है प्राप्त होते हैं आपको। और हरिधाम में, हरिधाम में गमन पूर्वक ज्योतिर्मय, कहा गया है कि ज्योतिर्मय विमान में आरूढ़ होकर हरिधाम में गमन पूर्वक ससम्मान में हरि की सेवा में वो रहते हैं, अर्थात उनका और जन्म नहीं होता है, वो हरि सेवा में जो है वो हरिधाम में जाकर रहते हैं। तो तुलसी यहाँ पर हरि भक्ति विलास में स्पष्टता ये कहा गया है, तुलसी पावकेन तुलसी काष्ठाग्निना धूपस्य वेति जथा धूपेष्य लक्षणात दर्शनात धूपदानादि फलमन्ये अपि लभ्यते। तुलसी पावक ए नैव दीपं च कुरुते हरे, अर्थात तुलसी काष्ठ से धूप दीप जो है वो आप श्री हरि को विशेषकर कार्तिक के महीने में, देखिए साल भर अगर आप करते हैं नित्य प्रतिदिन तो बहुत अच्छी बात है, पर साल भर आज के समय में तो करना संभव नहीं होता है, तो विशेष महीना यानी कि कार्तिक के महीने में भी अगर आप करते हैं तो भी आपको जो है श्री हरि के आशीष विशेष रूप से प्राप्त होंगे। ये जो है कार्तिक का महीना धूप दीप प्रदान करने का ही महीना होता है, तो इसीलिए जो है आप साल भर नहीं कर पा रहे हैं तो कार्तिक के महीने में आप अगर करते हैं तो आपको अनंत आशीष जो है श्री लक्ष्मीनारायण के अवश्य जो है वो प्राप्त होते हैं। और ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय विमान में बैठकर जो है वो श्री हरि के धाम में जो है गमन करते हैं, यानी कि उनका और जन्म नहीं होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, तुलसी काष्ठ से धूप करने के लिए बहुत सारे लोगों का कुछ सवाल है कि तुलसी काष्ठ को जलाना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए आप अगर तुलसी काष्ठ जला रहे हैं वो अलग विषय है,
पर धूप करने का विषय जलाना नहीं होता है। धूप करने का विषय जो होता है तुलसी काष्ठ में जो सुगंध है, उस सुगंध को वो तुलसी के सुगंध जो है वो आप श्री हरि को धूम्र रूप में तुलसी काष्ठ अग्नि में जो है वो प्रज्वलन करती, यानी तुलसी काष्ठ अग्नि प्रज्वलन करते हुए जो है वो धूप सुगंध जो है वो आप प्रदान कर रहे हैं। जिस तरीके से हम दशांग धूप, हम षडंग धूप आदि प्रदान करते, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने ऑलरेडी जो है किस तरीके से जो है तुलसी काष्ठ से धूप करना चाहिए वो मैंने आप लोगों को बताया है। बिल्कुल धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए उसमें जो है गोबर के कंडे या नारियल के छिलके से धूप प्रज्वलन करते हुए सामग्री के साथ घृत और तुलसी काष्ठ जो है उसमें देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुलसी काष्ठ केवल जो है कपूर आदि से हमने जला दिए और वो जो है हो गया, ये तुलसी काष्ठ से धूप करना नहीं होता है। धूप के प्रॉपर जो तरीका होगा, एकदम सही जो तरीका होगा, उस तरीके से ही आपको जो है तुलसी काष्ठ से आपको धूप करना चाहिए, तभी जो है वो तुलसी काष्ठ की धूप कहा जाएगा। यानी कि तुलसी पावकेन तुलसी काष्ठाग्निना धूपस्य वेति, अर्थात धूप सेवा आप जो है तुलसी काष्ठ पावक तुलसी काष्ठाग्नि से जो है आप धूप सेवा उसे ही कहा जाएगा जिससे आप तुलसी काष्ठ अग्नि से धूप प्रज्वलन करते हुए सुगंधित धूम्र से जो है आप श्री हरि को धूपित कर रहे हैं, वही जो है तुलसी काष्ठ से जो है धूप करना होता है। और तुलसी काष्ठ से दीप जो है आप रुई के साथ जो है कपास के साथ जो है आप जो है कपास के साथ घी के और तेल के जो है तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, कोई समस्या नहीं है उसमें। अगर आप तिल का तेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। घी के या फिर जो है तेल से जो है रुई के बाती जो है तुलसी काष्ठ में, इसका भी ऑलरेडी वीडियो है, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा किस तरीके से तुलसी काष्ठ में दीप बाती जो है बनाकर श्री हरि को आप निवेदन कर सकते हैं। तो आप घी से भी कर सकते हैं और आप तिल के तेल से भी कर सकते हैं तुलसी काष्ठ में जो है बाती जो है दीप बाती जो है। तो कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में धूप दीप अगर आप श्री हरि को प्रदान कर रहे हैं तो आप तुलसी काष्ठ के जो है धूप धुनची धूप जो है वो तुलसी काष्ठ अग्नि में प्रज्वलन करते हुए तुलसी काष्ठ के सुगंध धूम्र से आप श्री हरि को धूप निवेदन कर सकते हैं। और साथ ही जो है आप तुलसी काष्ठ से दीप प्रज्वलन करते हुए भी जो है, यानी कि तुलसी काष्ठ की दीप काठिया दीप बाती कहा जाता है, तुलसी काष्ठ से दीप काठिया दीप बाती बनाकर जो है आप वो भी श्री हरि को उपचार में धूप दीप प्रदान करिए। ये जो है ये आपको अनंत आशीष देंगे। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या दादा ये हम करने से ये हम श्रीहरि के स्वर्ग में, देखिए ये ना कई जन्म जन्म हमें करने होते हैं तभी भगवान की कृपा होते हैं, उनके धाम में हमें ले जाएंगे। ऐसे ही एक जन्म में हम बस कुछ किए और हो जाएगा, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें अपना कार्य करना चाहिए, हमें अपना धर्म करना चाहिए, हमें अपनी विधि आराधना करना चाहिए, बाकी प्रभु ही जो है वो ठीक करेंगे कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या नहीं है, और वो हमारे लिए जो करेंगे वो बिल्कुल सही ही करेंगे। तो आप कार्तिक के इस महीने में श्री हरि को तुलसी काष्ठ के धूप दीप जो है वो अवश्य रूप से प्रदान करें और ये जो है आपके पूजा को बहुत ही सुमनोहर करेगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।